अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कमर रियाज। ये जो आपको सामने सारे मशीनरी जो नज़र आ रही है, ये आपका ए ब्लॉक है। ए ब्लॉक का जो आपका मेन बुलेवार्ड के साथ आपका ये कमर्शियल आ रहा था, इस कमर्शियल के बिल्कुल साथ जो ये वाले बेल्ट बेसिकली नॉर्मल पोजिशन थी, तो इस लोकेशन पर आपका एग्जैक्ट जो है वो मेन कमर्शियल है। जो दो किनार के कमर्शियल आ रहे हैं आपके डबल रोड की दूसरे दोनों तरफ से, तो ये बेसिकली वो वाला एरिया है। इन्होंने आई थिंक ये सुबह आज 8 मार्च 2022 और आई थिंक इन्होंने सुबह ही इनकी वो मामला तय हुए हैं और सुबह से ही इसमें वो डेवलपमेंट चल रही है और अच्छी खासी कटाई लगी हुई है। आपको नज़र भी आ रहा होगा और आपका ये जो पैच था मेन डबल रोड का, जो मेन कमर्शियल सिविक सेंटर का मेन कमर्शियल जो है आपके जो मेन बुलेवर्ड पर आपके दो कनर के जो मेन कमर्शियल आ रहे हैं, बेसिकली ये आपका वो वाला पैच है। ठीक है, ये रिसेंटली इन्होंने परचेज़ किया है और अब देखें तो आपको ये यहाँ तक इन्होंने बिल्कुल मतलब वो एरिया इन्होंने यहाँ तक क्लियर करना है और ये मतलब थोड़ा सा ही पैच है जस्ट कमर्शियल की जो जगह आ रही थी, बेसिकली इन्होंने वो वाला एरिया परचेज़ किया है। और इसी तरीके से अगर आप इसकी थोड़ा सा वो बैक साइड पर जाएं, इनकी बैक साइड पर जाएं, तो वो आपको सारा ग्रीनरी एरिया नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली भी नॉन पोजिशन एरिया है, 5700 के नंबर आते हैं, 5800 भी है, फिर आपके 6100 के नंबर तक जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये जस्ट इन्होंने अभी कमर्शियल दिया है, बाकी इसकी जो बैक साइड पर एरिया आ रहा है 5700 से लेकर 6100 तक वो अभी रहता है। बट होप सो वो भी बहुत जल्द हो जाएगा, मगर कब होगा इसका मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ। अलबत्ता ये है कि बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये डेवलपमेंट कर रहे हैं, कब से लेकर मौके क्लियर करी जा रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये आपको सारा पैच आपको बहुत जल्द क्लियर होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि डेफिनेटली ये आपके वो फैसिलिटीज की मेन वो प्राइम लोकेशन है। मेन बुलेवर्ड के साथ आपका कमर्शियल, उसके साथ आपके वो 5 मिले के प्लॉट्स हैं 5000 की सीरीज, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये मेन आपका प्राइम लोकेशन बनती है, जिसको इन्होंने हर हाल में एट एनी कॉस्ट ये परचेज करेंगे ही करेंगे और आपको ये मौका क्लियर होता हुआ बहुत जल्द नज़र आएगा। तो ये आपका वो मेन बुलेवर्ड है। ठीक है, मेन बुलेवर्ड के साथ ही आपका ये कमर्शियल आ रहा था जो कि नॉन पोजिशन था। अब आपके सामने मशीनें दिखी है, अच्छी खासी मशीनें डिप्लॉय है और ये एरिया अब ऑलमोस्ट आपका ये सारा कंप्लीट हो चुका हुआ है, क्लियर ऑलमोस्ट हो चुका हुआ है। इसके साथ देखिए तो ये आपको जो हाई राइज बिल्डिंग नज़र आ रही है, बेसिकली ये भी आपका दो कनाल के ऊपर ही कमर्शियल है। आई थिंक ये 27 और 28 नंबर है कमर्शियल के प्लॉट नंबर जो है, तो ये भी एक अच्छा वो वेल नाउन जो डेवलपर है वो बना रहे हैं। इसके सराउंडिंग में भी अगर आप देखें तो ये भी आपके वो ये आपको जो MBC नज़र आ रहा है, ये भी डेफिनेटली प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपना इसी के साथ ही। तो इसी तरीके से ये आपका ओवरऑल जो है आपका ये मेन डबल रोड के ऊपर आप इन्होंने कमर्शियल रखे हुए हैं दो कनाल के, बड़ी प्राइम ज़बरदस्त और हार्ट एरिया है। इस वाले से चूँकि आपका एक तो मेन एंट्रेंस से ही आपका कमर्शियल है और मेन रोड के ऊपर इधर कमर्शियल रखे हुए हैं, सेकंड इज दैट कि ये आपका ए ब्लॉक आ रहा है, तो इस वजह से इसमें एक अच्छा खासा पोटेंशियल है। अगर आप इस तरफ से देखें तो ये जो आपको सामने एरिया नज़र आ रहा है, ये आपके कनाल के प्लाट्स हैं, ये सारे आपके कनाल के प्लाट्स हैं। इवन कि आप ये बिल्कुल रेडी है फॉर रिहाइश के लिए भी रेडी है, आप इसकी कंस्ट्रक्शन की भी मतलब जब जिस वक्त चाहें आप इसमें कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सेम अगर आप थोड़ा सा इस तरफ मूव करें तो ये आपके कनाल के ऊपर घर भी बना हुआ है, कॉर्नर है, 176 नंबर है प्लाट का, इसके ऊपर ये घर बना हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट इन्होंने ग्रीस स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, अब इन्होंने फिनिशिंग करनी है। तो ये आपका सारा ए ब्लॉक है, फिर उसके सामने सराउंडिंग में देखें तो ये आपके बेसिकली कनाल के प्लाट्स आते हैं सारे, और इसके अपोजिट देखें सामने में ताकि पल्ली साइड पर अगर आप देखें तो वो आपका दो किनार के प्लाट्स आ रहे हैं। सेम अगर देखा जाए तो ये सामने आपका डबल रोड है, MR1 आपका एक्सेस कर रहा है मेन बुलेवर्ड को, देन जो है आपका फिर ये ए ब्लॉक है वो कमर्शियल, फिर आपके 5 मरला, फिर और सो ऑन आपका वो फुल एरिया जो है वो ए ब्लॉक को ही कवर कर रहा है। सो अगेन ये डेवलपमेंट के हवाले से अगर आप देखें या नोटिस करें तो पिछले चंद दिनों में आई थिंक आपको एक अच्छी खासी तब्दीली नज़र आ रही होगी फैसिलिटीज में रिगार्डिंग कब्ज़ों के से, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली बहुत ज़बरदस्त और अच्छी अच्छी और मेन मेन जगह को क्लियर किया है, कब्ज़े लेकर इन्होंने डिप्लॉय किया, मशीनरी डिप्लॉय करके टोटल ओवरऑल इन्होंने ऑन ग्राउंड पर वो लेवल कर दी है आपके प्लाट्स। लाइक अगर बात करें तो आप बी ब्लॉक को देख लें, 2100 से 1800 से लेकर 2800 तक रिसेंटली आप इन्होंने परचेज़ किया है, 1500 1600 के नंबर्स भी परचेज़ किए हैं, 1300 से ऑनवर्ड 1500 तक 1500 तक बी ब्लॉक के।
और सेम इसी तरह से आप अगर आप इसको भी देखें तो ये भी अभी रिसेंटली ने परचेज़ किया है। थोड़ा सा और पीछे जाएँ तो इन्होंने सी ब्लॉक का कुछ एरिया कलर किया है। तो मतलब देखा जाए तो चौधरी साहब भी खुद भी ही फरमाते हैं आजकल कि जी आपको हर महीने अगर आप देखेंगे तो आपको एक महीना दूसरे महीने से वो टोटल डिफरेंट होगा डेवलपमेंट के हवाले से। सो अगेन ये इस टाइम पर इन्वेस्टमेंट प्लीज़, अब आपकी फैसले की तकदीर बदलने जा रही है, अब टाइम आ चुका हुआ है, तो प्लीज़ आप आएँ, आप फैसले में इन्वेस्ट करें और मैं आपको यकीन से कहता हूँ आउटस्टैंडिंग आपको रिटर्न मिलेगा। मैं यकीन से कहता हूँ, मार्क माई वर्ड्स, क्योंकि अब आपको इसके बाद से आपको फैसिलिटीज में टोटल आपको फैसिलिटी चेंज नज़र आएगा। हर माह आपको यूनिक एक एक्टिविटीज़ और एक यूनिक डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो सो किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें और इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोई भी अगर आपने मतलब लाइक प्लाट बेचना है या आपने प्लाट सेल करना है या परचेज़ करना है तो कभी आप मुझे उस हवाले से भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगेन आप मुझे थ्रू SMS या आप मुझे WhatsApp पर भी आप मुझे कुछ करें कोई भी किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए रिगार्डिंग फैसिलिटीज। जी थैंक यू वेरी मच।